प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को शिक्षकों के साथ संवाद किया। दरअसल पीएम मोदी इस बार शिक्षक दिवस के अवसर पर ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर थे। ऐसे में वहां से लौटने के पश्चात आज शुक्रवार के दिन उन्होंने शिक्षकों के साथ मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ बातचीत करते हुए कई शिक्षकों ने उनके साथ अपने विचार साझा किए। याद होगी पीएम मोदी पिछले वर्ष कहा था कि शिक्षकों के अंदर वो ताकत होती है कि वो पूरे पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। देश के निर्माण में शिक्षकों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएम मोदी सालाना कार्यक्रम के तहत शिक्षकों के साथ मुलाकात करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने इस सालाना कार्यक्रम के तहत शिक्षकों के साथ मुलाकात की। साथ ही इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षकों के साथ अपने विजन के साथ जोड़ते हुए विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका पर अपना योगदान देते हैं। ऐसे में शिक्षा के साथ साथ कैसे लोगों को एम्प्लॉयबल बनाया जाए और शिक्षक नीति को लेकर क्या परिवर्तन किया जाए, साथ ही साथ शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप कैसे अलाइन किया जाए, उस पर लगातार सरकार काम कर रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों को सेंसिटाइज करने की कई मौके पर कोशिश की। वे इस बात को शिक्षकों तक हमेशा पहुंचाते रहे हैं कि कैसे सरल और सहज तरीके से शिक्षा नीति को लागू करना है। एक सहज संवाद स्थापित करना, छात्रों के साथ उनकी मनोबल को बढ़ाना और मुश्किल परिस्थितियों में एक प्रेरणा के रूप में शिक्षकों को अपने जीवन दर्शन के जरिए छात्रों को प्रेरित करते रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कैसे शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और जो वर्तमान चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए कैसे युवा पीढ़ी को तैयार कर सकते हैं, उस पर भी विचार विमर्श साझा किए। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से पीएम मोदी शिक्षकों के साथ संवाद कर रहे हैं और इस संवाद के दौरान कई ऐसी चर्चाएं हुई हैं जो काफी बेहतर होगा शिक्षा की नीति को आगे बढ़ाने के लिए। इसी के साथ आपको बता दें कि शिक्षकों ने भी संवाद के दौरान अपने अपने विचार पीएम मोदी के साथ साझा किया है। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।